आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हाय फ्रेंड्स सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि फोर गैसेस लाइक H2 हीलियम CH4 एंड CO2 हैव द हेनरी कांस्टेंट वैल्यूज एज 69.16 144.97 एंड 0.413 एंड 1.67 तो हमें बताना है कि कौन सा गैस ज्यादा सल्यूबल है लिक्विड में राइट सो so ये क्वेश्चन आएगा हमें हेनरीज़ लॉ से जो कहता है कि P इक्वल्स टू के राइट जहां पर अगर हमें अब टर्म्स को पहले समझना है P क्या है यह है पार्शियल प्रेशर किसका गैस का अबव द सोल्यूशन इन इक्विलिब्रियम ठीक है और x क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इन इक्विलिब्रियम ठीक है सो अब हम सॉल्युबिलिटी अगर निकाल रहे हैं किसी भी गैस की तो हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी का एक मेजर है मतलब जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड के अंदर होगा उतना ही ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर गया है मतलब उतना ज्यादा गैस सॉल्युबल है मतलब क्या कह सकते हैं हम कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी राइट मतलब अगर एक्स ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी गैस की राइट right? तो हम इस इक्वेशन से के ईच को ऐसे लिख सकते हैं पी बाई एक्स राइट मतलब इफ पी इज कॉन्स्टेंट तो हम ऐसे कह सकते हैं कि के ईच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स या फिर एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच ऐसा हम कह सकते हैं राइट right? मतलब के का जो ऑर्डर आएगा वैल्यू का एक्स का ऑर्डर उसका उल्टा आएगा राइट right? तो पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें हमें पूछा है कि विच गैस इज मोर सल्यूबल इन लिक्विड मतलब हमें बताना है कि किस गैस के लिए एक्स की वैल्यू इज मैक्सिमम राइट अब अगर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है देन के एच की वैल्यू मिनिमम होनी पड़ेगी सो इन गैसेस के अंदर हम देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या है 0.413 एंड 0.413 किसका है मीथेन का है सो so, हमारा आंसर है सी या मीथेन इज मोस्ट मोर सल्यूबल इन लिक्विड क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर